मेरे अध्यक्ष आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर खंडोबा सर जी आणि सभी मंच पर बैठे हैं सभी मान्यवरों को मैं प्रणाम करता हूँ। उपस्थित हमारे भाई सभी जो मंच के आगे में बैठे हैं उन्हें भी प्रणाम करता हूँ। संत सेवालाल महाराज और हमलाल महाराज को इनको स्मरण करके मैं मेरे विषय को यहाँ पे शुरू करता हूँ। भाइयों, आप हम सदियों से एक गीत गाते रहते हैं और ये गाना जो हम जो गाते रहते हैं कि हम कहाँ से आए हैं, हम क्या करते थे, वो सिंधु नदी रे पाड़े में सब सिंधु रे राड़े में दामड़िया दाम लगान चले गए, वो पूरा कहानी उसमें हम बताते हैं कि हम सिंधु घाटी से आए थे और हमें दोबारा सिंधु घाटी के जाने के लिए हमारे नायक को बोलते हैं कि हमें ना सिंधु घाटी आश्रय न करना लगे नायक, वो तो अभी गए नहीं, मगर हमारा उस जमाने में हम किस तरह रहते थे, किस तरह हमारा ये था, पूरे विश्व में सिंधु घाटी सभ्यता सबसे अच्छी हमें जाने जाती थी। वहाँ पे हमारा गणराज्य था, हमारा नायक था, हमारा एक स्वतंत्र राज्य था हमारा, हम राजनीति में वहाँ से शुरू किया करते थे, मगर जब सिंधु घाटी का लय हो गया तब वहाँ से हमने निकल पड़े और हिंदुस्तान के अरवली पर्वत में आ गए और हमने अपना नया जीवन शुरू कर दिया। उस वक्त बुद्ध उसके बाद बुद्ध काल में हमारा खुद का गणराज्य हुआ करता था और हम गोर गण जैसे बोलते थे, खुद का हमारा गणराज्य, छोटे छोटे 10 गांव के, 5 गांव के, 15 गांव के हमारा गण रहता था और उसके हम राजा थे, उसे उसलिए हमें गणराज्य था तो उसे हम गोर गण हम जो बोलते थे वो भी था। वो यहाँ तक चला कि जब तक अपने देश में यवन का राज्य आता नहीं है, बाहर से जो यवन आए हैं, मुस्लिम मुगल साम्राज्य जो आए हैं, तब तक हमारा व्यापार उसी वक्त जब बौद्ध काल में हमारा व्यापार भी चलता था और हमारा राज्य भी था, मगर जब हमारे देश में यवन आ गए तो हमारा गणराज्य तो चला गया मगर हमारा व्यापार तब तक चलता था। मुगल से लेकर तो निज़ाम तक, निज़ाम के राज्य में भी हमारा अच्छी तरह से आवागमन था, पूरे विश्व में आवागमन था, हम धान्य के साथ में सूखा मेवा भी ट्रांसपोर्टिंग करते थे, खुद का व्यापार था, कपड़ा भी बेचते थे, सभी था, सब पैसे वाले थे हम उस वक्त भी। जब कहाँ तक चला हमारा ये हमारा बंजारा समाज का सिलसिला जो था ना, जब तक अपने देश में अंग्रेज नहीं आते हैं तब तक हमारा हम सुस्थिति में थे, हमारा अच्छी तरह से हमारा व्यापार भी चलता था, हमारे पास हर ढंग का हमारा खुद का एक ताना रहता था, खुद का गणराज्य हमारा रहता था, एक ताने के रूप में हमारे गणराज्य रहता था, हम खुद राजा थे वहाँ के। मगर जब हमारे देश में अंग्रेज आ गए, अंग्रेज ने सबसे पहला हमें हमारा जो गणराज्य था वो तो नष्ट पहले हो गया था, मगर हमारे जो हमारे बैल थे, गाय थे, जो जंगल में जाते थे वो गाय बैल को फॉरेस्ट एक्ट लगा के मद्रास में फॉरेस्ट एक्ट लगाया है, उसके बाद रायलसीना में लगाया, फिर तेलंगाना में लगाया, फिर मध्य भारत में लगा, पूरे भारत में लगा दिया। हमें उस एक्ट के जरिए जंगल में हमें हमारे जानवरों को, बैल को हमें प्रवेश नहीं था, इसलिए हमें हमारा जो हम इंग्रेज से हमारा झगड़ा होते रहता था, हम उनसे हरदम उनके खिलाफ हमारा ये करता था। उन्हें ऐसा लगा कि ये अपने से बस में आने वाले लोग नहीं है, इन्होंने 1871 में हम पर क्रिमिनल एक्ट लगा दिया और हमको गुनहगार बना दिया। तब से हमारा समाज का अधोगति जो होती रहती है, तब से अब 1952 तक हमारे पूरा विश्व, हमारा जो सिस्टम था, हमारा गणराज्य था, हमारा नायक की जो सिस्टम थी, हमारे तांडे की संस्कृति थी, हमारा व्यापार था, पूरा का पूरा नष्ट हो गया था 1952 तक। जब हमें आज़ादी मिली उसके पहले हमारा सौभाग्य से हमें कुछ अधिकार मिल गए थे 47 में, तो पहला हमारे देश का अगर कोई राजनीति में किसी ने अगर प्रवेश किया है तो वो था वसंत राव जी। नहीं, हमारे पुसद में उन्होंने पहले नगर रचना थी वहाँ पे उन्होंने पहला सदस्य बना, कुछ दिन के बाद वो वहाँ के नगराध्यक्ष बन गए, तो पूरे देश में बंजारा समाज का कोई नगराध्यक्ष बनाए, कोई चेयरमैन बनाए तो वसंत राव नाईक बना। फिर उन्होंने वहाँ भी रुके नहीं, हो उन्होंने फिर 54 में 1954 में उन्होंने पहला इलेक्शन लड़ा और वो पहले विधायक बने, अपने देश के पहले विधायक वसंत राव। मेरे हिसाब से खंडोबा सर जी, मुझे ऐसा लगता है कि 1954 में पहले विधायक बंजारा समाज के वसंत राव नाईक बने और उसी साल
दो साल के बाद 1956 में वो मध्य प्रदेश में पहले मध्य प्रदेश के राज्य मंत्री बने। तब से हमारा बंजारा समाज का कार्यकाल राजकाल शुरुआत हो गई थी। तो धीरे धीरे हम महाराष्ट्र के वसंतराव नाईक ने महाराष्ट्र में 11 साल तक मुख्यमंत्री रहा। वो उस दौरान कर्नाटक में एलआर नाईक इधर राठौर साहब बहुत सारे एमपी बन गए। तो हमें ऐसा लगता था हमारे देश में हमारा जो अस्तित्व है हम अपना दिखा रहे थे, मगर जब वसंतराव नाईक चले गए तब से हमारा अस्तित्व धीरे धीरे राजकीय स्थिति में अब उतना जितना नहीं है। अब हम केवल आंध्र प्रदेश में जहाँ पे हम आरक्षण में है, एसटी में है, वहाँ हमारा एक एमपी बनता है। कर्नाटक में जाए वहाँ पे आरक्षण है, वहाँ पे एमपी, वो इसलिए बनते हैं कि हमारे हम एसटी में है वहाँ पे कर्नाटक में, तो वहाँ के जो लोग है, जो प्रस्तापित समाज है, जो पढ़े उच्च जाति के लोग है, वो एससी समाज को या जिसको हम अब तो बोल नहीं सकता मगर मैं बोलता हूँ, या ढेड़िया बोलते हैं या महार बोलते हैं, उसको वोट मतदान करने के बजाय हमें देते हैं, इसलिए हम चुन के आते हैं। हम ओपन में कभी नहीं चुन के आए। वही स्थिति है आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में है, आज के तेलंगाना में है कि वहाँ पे जहाँ आरक्षण है वहाँ पे आते, ओपन में कभी नहीं आते। हमारे महाराष्ट्र में वसंतराव नाईक 77 में पहली बार एमपी बने थे। उसके बाद उसका पहले उत्तम राव जी राठौर हिंगोली से बने थे, वो ओपन में बने थे। और उसके बाद 78 में वसंतराव नाईक चीफ मिनिस्टर नहीं थे तब उन्होंने वो बने थे। और उसके बाद हमारे महाराष्ट्र में फिर लास्ट में बने थे हरिभाऊ जी राठौर 2004 में। मगर तब से हम अभी आज देख रहे हैं, हम संघर्ष कर रहे हैं कि हमें हमारा इतने पॉपुलेशन है हमारे देश में, मगर हम एमपी क्यों नहीं बनते। इसका अगर हम सोच के देखें ना तो सबसे बड़ी कमी है हमारे समाज में, हमारा आत्मविश्वास खो बैठे हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम अभी चुन के नहीं आते, इतनी दुरुस्ता होगा हमारे समाज में। और सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि हम थोड़े से लालच में किसी जो प्रस्तावित समाज है, हमारा महाराष्ट्र की बात किए तो मराठा या देशमुख के कहने से किसी भी वोट दे देते हैं। अभी जो इलेक्शन हुआ है, इसके पिछले 2019 का जो इलेक्शन हुआ है, यवतमाल लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में हमारे 5.5 से 6 लाख वोटर है, मगर 2019 में जब हमारे पीपी राणे एक कमिश्नर ऑफिसर थे, वो खड़े थे, उसको केवल 24,000 वोट मिले, तो बाकी वोट गए कहाँ। इसी यही कटी से हर वो हिंगोली क्षेत्र विधान लोकसभा क्षेत्र है वहाँ भी ऐसा होता है, या फिर जहाँ अकोला में है या कहाँ भी है, हमारे समाज के लोग हमको वोटिंग नहीं करते, हमको वोटिंग हमारा